राज्य सरकार के जन समस्याओं के प्रति उदासीनता तथा नाकामियों को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा गुरुवार को शहरी क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए निकली। यात्रा के शहरी क्षेत्र में पहुंचने से पूर्व शहर के नेहरू गेट स्थित गिब्सन हॉस्टल में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में विधायक शंकर सिंह रावत, पूर्व विधायक देवी शंकर भूतरा, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत चंद मेहता, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत, संतोष रावत, देवेंद्र सिंह, डूंगर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया, चेतन गोयर, पवन जैन तथा करण सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में राज्य की कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए आगामी चुनावों में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। जनसभा के पश्चात जन आक्रोश यात्रा गिब्सन हॉस्टल से शाहपुरा मोहल्ला, चांग गेट, लोहरान चौपट, पाशबत्ती, फतेहपुरिया चौपट, अजमेरी गेट, सुभाष सर्किल, SBI बैंक के सामने से होते हुए SDM कार्यालय पहुंची। जन आक्रोश यात्रा के शहरी क्षेत्र से गुजरने के दौरान भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार तथा CM गहलोत के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान मार्ग में जगह जगह भाजपा पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने यात्रा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने विधायक शंकर सिंह रावत तथा पूर्व विधायक देवी शंकर भूतरा का माला पहना कर स्वागत किया। यात्रा के SDM कार्यालय पहुंचने के पश्चात प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशांत चंद मेहता के सानिध्य में राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की जन विरोधी नीतियों एवं कुप्रबंधन के कारण ब्यावर विधानसभा में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। SDM को दिए गए ज्ञापन में प्रदेश में बढ़ते अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था, जन सुविधाओं तथा व्यवस्थाओं के अभाव सहित अन्य समस्याओं को इंगित करते हुए सभी समस्याओं का समाधान करवाकर आमजन को राहत दिलाने की मांग की है। जन आक्रोश यात्रा में मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल, रामावतार लाटा, हेमंत चंदेल, विक्रांत सिंह रावत, नीला देवी पटेल, मुकेश जोधावत, सुनील सिंह चौहान, जितेंद्र कुमार कावड़िया, सत्येंद्र यादव, नवल मुरारका, संतोष जागृत, यज्ञेश शर्मा, प्रमोद शर्मा, राकेश नरुका, बुधराज शर्मा, राजेश्वरी यादव, तारा सोनी, प्रीति शर्मा, शिखा गुप्ता, मुनि देवी गहलोत, सुनीता भाटी, मंजू गहलोत तथा पिंकी कुमावत आदि शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा पूरे राजस्थान में पिछले 3 तारीख को 200 विधानसभाओं में हमने जन आक्रोश रथों के माध्यम से जन आक्रोश यात्राएं निकालकर वर्तमान सरकार जिस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग के विरोधी है, चाहे वो दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, समाज का प्रत्येक वर्ग कहीं न कहीं से अपने आप को सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस सरकार के शासनकाल में राजस्थान भ्रष्टाचार में, राजस्थान चोरी में, राजस्थान नकबजनी में, राजस्थान हत्याओं में, राजस्थान डकैतियों में, राजस्थान हत्याओं में, राजस्थान महिला उत्पीड़न में और राजस्थान महिलाओं के साथ दुष्कर्म और दुराचार में राजस्थान में प्रथम नंबर पर है, जो हम हर राजस्थानी के लिए शर्म की बात है। हमने आक्रोश यात्राओं के माध्यम से सरकार को चेताया है, वो अपनी कथनी और करनी अपनी कार्यशीलता के अंदर परिवर्तन करें, वरना राजस्थान की जनता ने ठान चुके हैं कि बहुत जल्दी सरकार को हम धक्का मारकर प्रदेश के अंदर अमन चैन का शासन स्थापित करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता संकल्पित हैं। दरबार दरबार आपका अपना मेला आपके शहर ब्यावर में, दरबार मेगा ट्रेड फेयर जिसका भव्य शुभारंभ दिनांक 15 दिसंबर से मिशन स्कूल ग्राउंड ब्यावर में अवश्य पधारकर इस शॉपिंग उत्सव का जमकर लुत्फ उठाइएगा। लेडीज, जेंट्स व बच्चों के लिए भांति भांति के रंग बिरंगे अनेक डिजाइनों से सजे रेडीमेड गारमेंट्स, सर्दियों के मौसम में काम आने वाले एक से बढ़कर एक गर्म कपड़े, आपके घर को सजाने हेतु साजो सजा का बेहतरीन क्रोकरी आइटम, बेहतरीन मजबूत टिकाऊ शानदार फर्नीचर, आपके शहर ब्यावर में दरबार दरबार मिशन स्कूल ग्राउंड ब्यावर में अवश्य पधारकर शॉपिंग के इस महामेले का जमकर लुत्फ उठाइएगा। आप सभी का आपके अपने दरबार मेगा ट्रेड फेयर मेले में हार्दिक स्वागत है।